हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वी लव डॉग्स के एक और न्यूज एपिसोड में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लैब्राडोर रिट्रीवर के बारे में। तो लैब्राडोर रिट्रीवर के बारे में पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, पर उसमें थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा कि दूसरी वीडियो आप लोग के सुविधा के लिए बना डालूँ। तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो जानते हैं लैब्राडोर की कहानी अमन की जुबानी। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनके ओरिजिन के बारे में। तो इनके ओरिजिन के बारे में जानने की कोशिश की जाए तो पता चलता है कि ये आते हैं कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम से, जो कि एक लार्ज साइज़ के गंडोग होते हैं। गंडोग मतलब जब कोई शिकारी शिकार करता है तो उन्हें ले के आते हैं, इसलिए इनके नाम के पीछे रिट्रीवर भी लगाया जाता है, लैब्राडोर रिट्रीवर। इनके कई नाम होते हैं, लैब्राडोर लैब और अलग अलग। अब जान लेते हैं इनके वेट के बारे में। तो इनके वेट के बारे में जानने की कोशिश की जाए तो पता लगता है कि इनमें मेल्स का वेट 29 टू 36 केजी आराम से हो जाता है एंड फीमेल्स का वेट 25 टू 32 केजी आराम से हो जाता है। तो अब वेट की बात चली रही है तो हाइट भी जान लेते हैं। मेल्स में इनकी हाइट 57 टू 62 सेंटीमीटर हो जाता है एंड फीमेल्स में 55 टू 60 सेंटीमीटर इनकी हाइट आराम से हो जाता है। अब जान लेते हैं इनके कलर्स के बारे में। तो इन ये तीन कलर में आपको मिल जाएंगे, ब्लैक, चॉकलेट, येलो। येलो के ये अलग अलग शेड में ही मिलते हैं। तो अब जान लेते हैं क्या आपको लैब्राडोर रखना चाहिए। तो इसका साफ आंसर है भाई, देखो ये मोस्ट पॉपुलर डॉग की रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे आते हैं, तो इनमें कुछ तो खास होगा। अगर आप एक अच्छा फैमिली डॉग ढूंढ रहे हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि गोल्डन रिट्रीवर साथ थोड़ी बाल की प्रॉब्लम हो जाती है। इनके बाल भी छोटे होते हैं तो इनके वो प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है। ऊपर से ये कोई स्ट्रेंजर को देख के थोड़ा बहुत भौंक भी लेते हैं, और वैसे भी इंडिया में कई लोग जिन्हें डॉग की नॉलेज नहीं है वो इन्हें देख के डर जाते हैं। फर्स्ट टाइम ओनर के लिए तो ये बेस्ट रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे टाइप के खेलने वाले मतलब प्लेफुल डॉग होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये अच्छा गार्ड नहीं करते हैं, पर सुनो भाई, जब इनके ओनर की लाइफ के ऊपर बात आती है ना तो कोई भी डॉग अच्छा गार्ड करता है। लैब्राडोर डॉग अपने ओनर से काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है, हर डॉग को होता है। अगर कोई भी उसके ओनर के ऊपर आफत आती है तो ये सहने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। अगर आप एक फर्स्ट टाइम ओनर हो और आपको एक अच्छा खेलने कूदने वाला डॉग चाहिए जो आपके फैमिली से काफ़ी अच्छे से रहे और ज़्यादा एग्रेसिव भी ना हो, तो आपके लिए लैब्राडोर बेस्ट रहेगा। पर एक बात याद रखना, इन्हें एक्सरसाइज अच्छे से कराना, वरना ये मोटे हो जाएंगे और एक मोटे लैब्राडोर की लाइफ स्पैन भी कम हो जाती है। अब लेने की बात चली ही है तो प्राइस जाने के लिए वीडियो क्यों एंड की जाए, तो जान लेते हैं इनका प्राइस भी। तो एक लैब्राडोर का प्राइस 9000 से स्टार्ट हो जाता है और 18000 तक आपको एक अच्छा लैब्राडोर मिल जाएगा। ये प्राइस एक नॉर्मल लैब्राडोर का है, ना कि एक काफ़ी हाई ब्लड लाइन हाई क्वालिटी लैब्राडोर पप का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कौन सी डॉग वीडियो बनाऊँ ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बता देना। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर देना क्लिक, वीडियो कर देना लाइक शेयर। तब तक के लिए बाय बाय बाय।